23 तारीख को चुनाव परिणाम आ रहा है, सरकार किसकी बनेगी? 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आ रहा है उसमें निश्चित तौर पर मोदी सरकार, क्योंकि जो मोदी सरकार को के विरुद्ध जो महागठबंधन बनाया गया है, महागठबंधन में तरह तरह की पार्टियां मोदी सरकार को हराने के अंदर लगी हुई है, और इनके द्वारा जो आतंकवाद के विरुद्ध जो मुहिम चलाई गई है, और अभी आप चुनाव को देखें, चुनाव में देखें तो टीएमसी के द्वारा जो घिनौना तांडव किया गया है और गणतंत्र को जो खतरा पार्टियां बता रही है, इससे देश की हालत है उसमें मोदी सरकार ही एक उचित उपाय लगता है, और निश्चित तौर पर मोदी सरकार ही आएगी 23 तारीख को। सरकार तो मोदी की ही दिख रही है, क्योंकि चारों तरफ जहां भी फाइट है तो मोदी के साथ ही फाइट है, बाकी पार्टियां तो बिखरी पड़ी है, कहीं पर भी कोई ढंग का गठबंधन हुआ नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष दल आपस में लड़े तो वो तो वोट बंटेंगे, तो चारों मोदी ने जो कार्य करे हैं चारों तरफ उनका नाम हो रहा है, जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है, या दूसरा हम देख रहे हैं जिस तरह से कलकत्ता में ममता घबराई है, तो वहां से भी लग रहा है कि 20-25 सीटें मिलेगी उनको। उस हिसाब से मोदी अकेले दम पर 300 प्लस ला के मोदी सरकार बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने जो राष्ट्रीय हित में कार्य किए हैं, जनता के जुबान पर मोदी 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 है, इसलिए 23 तारीख को मोदी सरकार ही बनेगी। मोस्टली जो सरकार है वो गठबंधन की बनेगी, और मुझे लगता है इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, इनको छोड़ के कोई भी सरकार बना सकता है, हो सकता है कांग्रेस बनाए, हो सकता है कोई दूसरा गठबंधन। क्यों? उसका कारण ये है कि मोदी जी ने 5 साल सिर्फ जुमलों में ही निकाल दिए, हिंदू मुस्लिम बेरोजगारी समस्या लव जिहाद में जाने इतने कितने मुद्दे हैं कि गिनाते गिनाते 2 दिन लग जाएंगे, और लोगों में जो है असुरक्षा की भावना जिसको बोलते हैं असहिष्णुता इस 5 सालों में सबसे ज्यादा फैली, इसका भी एक कारण है। ये माहौल मीडिया के द्वारा बनाया गया कि मोदी सरकार दोबारा आ रही है, बहुमत से आ रही है। मेरा सोच, मेरी आंकलन ये है कि किसी भी सूरत में एनडीए सरकार नहीं बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही है। आपको 23 तारीख को पता लगेगा कि जो सोच रहे थे, मीडिया सोच रही है, पब्लिक सोच रही है, या जो समर्थक सोच रहे हैं, या आम लोगों में एक मैसेज दिया गया कि जो है मोदी सरकार बनने जा रही है, एकदम से आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे और लोग देख के सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया। सर बीजेपी की बनेगी सरकार? क्यों? बीजेपी ने बहुत अच्छा अच्छे काम करवाए हैं, और सड़कें भी करवाई है, सबको काम करवाया। अभी जो कांग्रेस ने का राज आया है अभी राजस्थान के अंदर, तो जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, और ये एक ही मुद्दा लेके बैठे हैं राहुल गांधी, मोदी चोर है, मोदी चोर है। तो आपने इतने साल राज किया है तो आपने कितनी चोरियां की है? मुझे यह लगता है कि गठबंधन सरकार बना सकती है। गठबंधन का मतलब कि न कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट सरकार, न भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार, मिलीभगत सरकार, गठबंधन की सरकार आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी सरकार ने कभी कुछ किया नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकार इस बार जरूर आएगी। 23 को रिजल्ट आएगा, नो डाउट मोदी सरकार अगेन, एक बार फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों, इसका कहने की आवश्यकता नहीं है। जो आप देख रहे हो राजस्थान में क्या हालत कर दी है गहलोत सरकार ने, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, ऐसी दरिंदगी मैंने जीवन में नहीं देखी है, इसीलिए मोदी सरकार बहुत जरूरी है। सरकार का तो संभावनाएं जो है वो मोदी सरकार की है इस बार, और लेकिन बीकानेर का जो माहौल है विशेषतया उसके अंदर थोड़ी सी संभावनाएं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कैंडिडेट्स हैं, उनकी दोनों की संभावनाएं हैं, और लेकिन सेंटर में तो मोदी सरकार की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि वर्तमान में जो देश के हालात हैं उस हालातों को मद्देनजर रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, विदेश नीति को मद्देनजर रखते हुए, भारत की साख को मद्देनजर रखते हुए, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां और राहुल गांधी है किसी तरह से फिट नहीं होते हैं, उसके लिए सिर्फ मोदी सरकार, दोबारा बीजेपी सरकार। मोदी सरकार आनी चाहिए, बहुमत से आएगी, और अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने, और ये अति काम बढ़िया कर रहे हैं इसलिए, और बीकानेर में ये अर्जुन राम जी मेघवाल बहुमत से अच्छा जीतेंगे।